अल्लाह मैं आपका टीचर खुद शहजाद आप सबका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में आज हम एडोप फ्लैश में लोडिंग बार क्रिएट करना सीखेंगे कि लोडिंग बार हम एडोप फ्लैश में किस तरह से बना सकते हैं चलें स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सबसे पहले आपने टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट करना है और अपने स्टेज पर एक टेक्स टाइप करना है लोडिंग इसका टेक्स स्टाइल आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें इसके बाद रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करें और यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लें कलर आप अपनी मर्जी से जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए इसके बाद फ्रेम फाइव या अपनी मर्ज़ी से जो भी आप इसकी टाइमिंग देना चाहते हैं ठीक है कितने सेकंड्स का फ्रेम आप रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें मैं यहाँ पे फाइव सेकंड का फ्रेम सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फ़ाइव को मैंने सेलेक्ट किया फ्रेम नंबर फाइव को सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से फंक्शन की एफ सिक्स को प्रेस कर देंगे इसके बाद इसी बॉक्स की कॉपी करें कंट्रोल सी और पेस्ट कर लें कंट्रोल बी कलर चेंज करें इसका और इसको भी फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से फंक्शन की एफ सिक्स को प्रेस कर दें अगेन कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी पेस्ट किया हमने कलर चेंज किया और यहाँ से हमने फ्रेम दे दिया एफ सिक्स अगेन आपने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल बी कॉपी पेस्ट किया और कलर चेंज कर देते हैं यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद एफ़ सिक्स ठीक है इसके बाद अब आप इसका रिज़ल्ट देखना चाहते हैं कंट्रोल इंटर स्टेज कलर भी अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से स्टेज कलर भी आप चेंज कर सकते हैं ठीक है और इसके बाद अब आप कर दें कंट्रोल इंटर तो ये रिज़ल्ट आपके सामने आ चुका है एक लोडिंग बार आपने बना लिया है ये बिल्कुल एक सिंपल से स्टेप्स आपको बता रहा हूँ ताकि जब आगे हम अपने एनिमेशंस को बनाएं तो वहाँ पर ये तमाम चीज़ें आपकी क्लियर हों तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़